Okay, so hello programmers, welcome to the Code Vikas. My name is Vikas Kashyap, and as we know कि आज के वीडियो में हम लोग बुलियन एंड कैर डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. दीज आर द नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिक डेटा टाइप को कवर कर लिया है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल. ओके, सो इन सारे डेटा टाइप्स को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. नाउ इन दिस वीडियो हम लोग अब बुलियन एंड कैर डेटा टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को कवर किया है. अगर नहीं देखे हैं तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज उन वीडियोज को आप जरूर देखें, आपके डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. नाउ चलिए हम लोग बुलियन एंड कैर डेटा टाइप के ऊपर डिस्कस करते हैं. सो एज वी नो कि हर एक डेटा टाइप का कुछ ना कुछ साइज होता है, जैसे बाइट का साइज हुआ करता था, लॉन्ग का साइज हुआ करता था, फ्लोट एंड डबल और भी डेटा टाइप जो भी है उनके कुछ ना कुछ साइज होते थे, लाइक 4 byte, 8 byte, 2 byte. ओके, उसी तरीके से बुलियन डेटा टाइप का भी कुछ ना कुछ साइज होता होगा. सो आई एम गोइंग टू क्लियर यू आउट कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिखा है साइज नॉट डिफाइंड वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट. यस इट इज ट्रू कि यहाँ पर जो होता है, जो बुलियन डेटा टाइप्स होते हैं उनके साइज डिफाइंड नहीं होते. ओके, इट कुड बी 1 byte और इट कुड बी 1 bit. ओके, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्चुअल मशीन. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट डिफाइंड. ये वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट होता है कि कब इसकी साइज कितनी होती है. ओके, अब इसके रेंज के बारे में बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, बुलियन डेटा टाइप हैविंग ओनली 2 values, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. ओके, तो यहाँ पर कोई रेंज नहीं है, लाइक कि ट्रू टू फॉल्स, ये कोई मतलब ये कोई रेंज तो हुआ नहीं. ओके, सो इसलिए यहाँ पर कोई रेंज नहीं होता है, ओनली 2 values आर एप्लीकेबल है. तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर बुलियन डेटा इसके अंदर डेटा को एंटर करते हैं. ओके, और कैसे इन वैल्यूज को हम लोग एंटर करा सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सो यहाँ पर हम लोग एक कोड लिख करके चेक करते हैं कि बुलियन डेटा टाइप में हम लोग किस तरीके से इन वैल्यूज को एंटर करा सकते हैं. तो मैं यहाँ पर एक कोड लिख देता हूँ, दैट इज क्लास सॉल्यूशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग. ओके, अब यहाँ पर मैं अगर एक बुलियन टाइप का डेटा डिक्लेयर करूँ, ओके, और इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में जो पुराने लैंग्वेज होते थे लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, तो उसके अंदर हम लोग ट्रू फॉल्स की जगह 0 1 भी अगर एंटर कराते थे तो वो कंपाइलेशन एरर नहीं होता था, कोड सक्सेसफुली चल जाता था, क्योंकि वहां पर 0 और 1 को एज अ फॉल्स एंड ट्रू ट्रीट किया जाता था. तो चलो अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर 1 अगर यहाँ पर एंटर कराते हैं, ओके, और ट्राई करते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं. 1 means true, okay, in old languages. तो देखते हैं कि जावा क्या प्रेफर करता है. तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो रहा है, दैट इज इनकम्पेटेबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बुलियन. मतलब हम लोगों ने पहले ही डेटा टाइप्स के सबसे फर्स्ट पार्ट में ही डिस्कस किया था कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसके अंदर कंपाइलर बहुत स्ट्रिक्ट है, हर एक डेटा टाइप को कंपाइलेशन टाइम पर ही चेक करता है कि क्या सही टाइप का डेटा सही टाइप के कंटेनर के अंदर एंटर किया जा रहा है. लाइक आप देखो यहाँ पर हम लोग इंट टाइप के डेटा को बुलियन टाइप के कंटेनर में कंटेन करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा बिकॉज इट इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. ओके, यहाँ पर हम लोग सिर्फ बुलियन टाइप के वैल्यूज को ही बुलियन टाइप के डेटा टाइप के अंदर एंटर करा सकते हैं. ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर ट्रू लिखते हैं, ट्रू, ओके, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स आर द वैल्यू ऑफ बुलियन डेटा टाइप, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बुलियन डेटा टाइप के अंदर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू अलाउड है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है. अब सपोज मान लो कि हम लोग एक स्टेटमेंट लिख करके चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं. तो मान लो हम लोगों ने लिखा इफ, पहले हम लोग 1 लिख के चेक कर लेते हैं, क्योंकि पुराने लैंग्वेजेस में 1 का मतलब तो
पुराने लैंग्वेजेस में वन का मतलब तो ट्रू हुआ करता था, तो इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर ये सही है जावा के अंदर तो। मगर एज यू नो कि जावा स्ट्रॉन्गली टाइप है तो वन तो इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा, बुलियन वैल्यू तो है नहीं, तो इसे कंपाइलेशन एरर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एरर मिल रहा है, दैट इज इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बुलियन। ओके, मतलब इंटीजर टाइप के डेटा को बुलियन टाइप के डेटा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, सो दैट इज व्हाई ये जो है काम नहीं कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग इफ में वन की जगह पे बुलियन वैल्यू डाल दें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें हेलो प्रिंट करके मिलेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें हेलो मिल रहा है। अब अगर इसको दो तीन तरह से हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बिगिनर्स ये कर जाते हैं कि बुलियन डेटा टाइप के अंदर वो लोग कुछ इस तरीके की वैल्यू डालने लगते हैं लाइक दिस। ओके, सो ये जो है ये कोई ट्रू वैल्यू नहीं, ओके ये ट्रू स्ट्रिंग हुआ, ये स्ट्रिंग के अंदर ट्रू हम लोग डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें एरर मैसेज देने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू टाइप की वैल्यू तो है ही नहीं, ये तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। यहाँ पर हम लोग एरर मैसेज भी देख सकते हैं। ओके, सो इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें हमेशा ट्रू विदाउट कोट के लिखना है। और बहुत टाइम पे लोग ऐसा भी लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, तो अगर हम लोग कैपिटल ट्रू यहाँ पर कैपिटल टी लिखेंगे तो ना ही ये स्ट्रिंग है, ना ही ये ट्रू वैल्यू है, ओके ना ही ये इंटीजर है, ना ही ये फ्लोट है, तो ये है क्या? सो इसलिए जो जावा का कंपाइलर है वो इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके बुलियन एक्स इज इक्वल टू ट्रू, कौन सा सिंबल, वेरिएबल ट्रू। ओके, मतलब वो इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। ओके, और लोकेशन क्लास सॉल्यूशन, मतलब क्लास सॉल्यूशन के अंदर एक वेरिएबल है जो कि ट्रू नाम का है, जो डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओके, सो इस तरीके की गलती हमें नहीं करनी है, हमें हमेशा इस तरह से वैल्यू को लिखना है, मतलब लोअर केस में। ओके, अब इसे अगर हम लोग रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि बुलियन डेटा टाइप में ज्यादा कुछ है नहीं, ये सिर्फ दो वैल्यूज कंटेन करता है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। और हम लोगों को उसमें केस सेंसिटिविटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग फॉल्स को अपर केस में लिख रहे हैं, ट्रू को अपर केस में लिख रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें दोनों कीवर्ड्स को लोअर केस में ही रखना है। नाउ अब हम लोगों ने बुलियन डेटा टाइप को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, नाउ चलिए हम लोग कैर डेटा टाइप को इनका डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो कैर डेटा टाइप को देखने से पहले एक बार हम लोग यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो आइए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलियन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो है ये पुराने लैंग्वेजेस में एग्जीक्यूट हो सकता था, बट अभी जावा में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू को हम लोग बुलियन डेटा टाइप्स के अंदर इंटर नहीं करा सकते, तो ये गलत होगा, कंपाइलेशन एरर मिलेगा। बुलियन x इज इक्वल टू वन, ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, समझ सकते हैं। बुलियन x इज इक्वल टू ट्रू, यस दिस इज फॉर इफेक्टिवली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक वैल्यू है ट्रू जो कि कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा। ओके, बुलियन x इज इक्वल टू स्ट्रिंग ट्रू, तो ये जो डबल कोट्स के अंदर है तो इसलिए ये जावा कंपाइलर इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कंपाइलेशन एरर देगा। बुलियन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल टी ट्रू, ओके तो ये जो अपर केस में ट्रू हम लोगों ने लिखा है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जावा कंपाइलर इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, तो इसलिए ये भी कंपाइलेशन एरर देगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे ट्राई करके भी देखा है। ओके, चलिए अब हम लोग कैर डेटा टाइप के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैर डेटा टाइप का साइज जो है जावा के अंदर 2 बाइट होता है, मीन 16 बिट्स। तो अब इसका क्या मतलब है, मतलब और सारे पुराने लैंग्वेजेस में तो ये सिर्फ 1 बाइट हुआ करता था, तो यहाँ पर 2 बाइट क्यों है? तो देखिए क्या होता था कि पुराने जो लैंग्वेजेस होते थे वो ASCII कोड बेस्ड होते थे, ओके मतलब उनमें सिर्फ 0 टू 256
तक की ASCII वैल्यूज को हम लोग इंटर करा सकते थे, ओके। लेकिन जावा जो है वो यूनिकोड बेस्ड है, तो यूनिकोड बेस्ड होने की वजह से इसमें हम लोग ज्यादा वैल्यूज को इंटर करा सकते हैं। तो रेदर देन द कीज की जो हमारे कीबोर्ड पर है, ओके, उसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जो हम लोग यूनिकोड लैंग्वेज में इंटर करा सकते हैं, ओके। लाइक हम लोग बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैल्यू होते हैं, लाइक जरूरी नहीं है कि ये ए टू जेड अल्फाबेट से ही हो सकता है कि हमारे हिंदी लैंग्वेज में क टू ज तक बहुत सारे लेटर्स हो जाते हैं, ओके। सो उन सारे लेटर्स को भी ये यूनिकोड लैंग्वेज में हम लोग इंटर करा सकते हैं, ओके। इसलिए और बाकी के जो मतलब सिर्फ अल्फाबेट्स के अलावा जो 0 टू 256 जो ASCII कोड में है उसके अलावा रिमेनिंग जितने भी लेटर्स अल्फाबेट्स और सिंबल्स बच जाते हैं वो सारे 0 टू 65535 के अंदर कवर हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो 0 टू 65535 तक होती है। ये हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही होगी क्योंकि निगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू की कोई मतलब तो हुई नहीं, ओके। सो दैट इज व्हाई इट्स रेंज इज 0 टू 65535, ओके। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। सो कैर डेटा टाइप के अंदर हम लोग सिर्फ कैर टाइप की डेटा को ही इंटर कर सकते हैं, मतलब सिंगल कोटेड वैल्यूज को ही इंटर कर सकते हैं और सिंगल लेटर को इंटर हम लोग करा सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि बहुत सारे लेटर्स को एक कैरेक्टर के अंदर अगर हम लोग इंटर करा लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। लाइक कैर सी इज इक्वल टू सपोज हम लोगों ने लिखा वी, ओके। तो ये जो वी है हम लोगों ने सी के अंदर लिखा है तो क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने उसे बिना कोट के ही डायरेक्ट लिख दिया है, तो एज अ वेरिएबल आई थिंक ट्रीट होने लग जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एरर मिल रहा है, दैट इज कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल वी, ओके। ये वी को एज अ वेरिएबल ट्रीट करने लग रहा है, ओके। सो हम लोग अगर इसे सिंगल कोट में लिखेंगे यहाँ पे, ओके, तब ये एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा और अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो गया है। अगर हम लोग इसे डबल कोट के अंदर अगर लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होने लगेगा और कंपाइलेशन एरर देगा। तो आप देखिए इनकंपेटेबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर, ओके। सो स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं किया सकता है, सो इसलिए ये गलत होगा। सो आई होप कि आपको ये दोनों डेटा टाइप जो हैं बुलियन एंड कैर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एंड आई वांट कि आप लोग इन सारे डेटा टाइप्स के ऊपर जितने भी अभी हम लोगों ने डेटा टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं आप प्लीज इन डेटा टाइप्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और हम लोगों की एक प्रैक्टिस की भी सीरीज चल रही है तो आप उसको देखेंगे तो वहां से आप कोड्स लिखना सीख पाएंगे, ओके, कोड इनिशिएट कर पाएंगे कि आपको कोड कैसे लिखना है, आप बेसिक सिंटैक्स को समझ पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डेटा टाइप को कवर कर लिया है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग एरेज देखेंगे, जावा के अंदर एरेज किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हम लोगों को एरेज क्रिएट करते समय नहीं करनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर ये वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर वीडियोस, ओके। थैंक यू।